सुट्टा लगाने चले जाते हो। दोस्तों आपको सुट्टा नहीं लगाना खाना खाने के बाद। खाता बहुत हूँ पर मेरे शरीर को लगता ही नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने इतना खाना खाया, मेरे शरीर को लगा ही नहीं, मेरा वज़न बढ़ा ही नहीं, मेरा वेट बढ़ा ही नहीं, मैं पतला का पतला ही रह गया। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई, बहुत सारे लोगों से भी पूछा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। यही सोचते हो ना आप लोग? तो गाइस परेशान मत हो यार, इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप जो भी खाओगे आपके शरीर को लगेगा। तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अंत तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगी और आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस होंगे अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली कुछ ही दिन यार। तो गाइस मैं हूँ आपको तो आपका भाई ताबिश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। चैनल पर नए हो तो गाइस देर किस बात की कर रहे हो यार, आपके लिए जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट लेके आता रहता हूँ, सब्सक्राइब करो यार, बिना टाइम वेस्ट करिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि आपके शरीर को कोई भी चीज़ क्यों नहीं लगती है। आप इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करते हो, इतनी सारी चीज़ें खाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, आपका डाइजेशन खराब है यार। आपको ये चीज़ समझना है, आपको डाइजेशन किस तरीके से इम्प्रूव करना है, किस तरीके से अच्छा करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छी डाइट लेना, आपको फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर इतना लोड पड़ता है, इससे आपका पेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, आपके शरीर को कुछ भी चीज़ नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, अगली गलती के बारे में जो कि आप लोग कर रहे हो, वो ये कि आप लोग चाय पीते हो। सुबह सुबह जैसे ही उठते हो चाय पीने लगते हो। दोस्तों सुबह उठकर आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप चाय पियोगे तो उससे होता क्या है कि वो हमारे पेट में एसिड क्रिएट करती है, और वो हमारे पेट में एसिड क्रिएट करेगी तो हमारा पेट खराब रहेगा। और जो चाय होती है ना वो भूख भी कम करती है, भूख भी मारती है। अगर आपको चाय कॉफ़ी पीना है तो शाम में पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सुबह में आपको दूध पीना है, और दूध के साथ में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लेनी है, जैसे पीनट बटर ले सकते हैं आप, या कोई हेल्दी चीज़ लेना है आपको, तो आपको सुबह में ये चीज़ें खानी है। और बात करते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में, वो ये है कि आप लोग फ्रूट्स नहीं खाते हो। सुबह उठकर फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाते हो। आप लोग क्या करते हो, छोले भटूरे खाते हो, पूड़ी समोसे खाते हो, आप लोग बर्गर खाते हो, आप लोग ऐसी चीज़ें खाते हो, अनहेल्दी चीज़ें, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब रहता है और आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो आपको ये चीज़ें नहीं खाना है। अगर आपको ये चीज़ें खाना ही है तो बहुत दिनों में, करीब 10 दिनों में, 15 दिनों में खा सकते हैं एक दो बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जैसे सुबह उठते हो कहते हो लाओ यार समोसे खाएं, मम्मी मम्मी मुझे छोले भटूरे बना के दो आज, मम्मी मुझे पराठे दो बना के, ये सब चीज़ें ठीक हैं यार, पर रोज़ डेली तो नहीं खा सकते ना हम लोग। तो आपको ये चीज़ें नहीं खाना रोज़ डेली। और बात करते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में, वो ये है कि जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होता है, सुट्टा लगाने चले जाते हो। दोस्तों आपको सुट्टा नहीं लगाना खाना खाने के बाद। उससे होता क्या है, जो एक सिगरेट होती है ना तो वो 10 सिगरेट के बराबर होती है अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पीते हो। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये गलती करोगे कोई भी ताकत नहीं आएगी, आप सूखे पापड़ रहोगे, आप कमज़ोर के कमज़ोर ही रहोगे, आपकी सब लोग मजाक बना रहे थे, ज़िंदगी भर मजाक ही बनती रह जाएगी आपकी, अगर आपने ये चीज़ें नहीं बदली, अपनी आदतें नहीं बदली। और बात करते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में, ये कि आप लोग प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, एक गुड क्वालिटी हाई क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो। मतलब ये कि आप 7 से 8 घंटे के लिए नहीं सो रहे हो, रात के 3 बजे सोते हो, 4 बजे सोते हो, और सुबह 6, 7 बजे, 8 बजे उठ जाते हो, और नींद तो आपकी पूरी हुई ही नहीं। तो आपको 7 से 8 घंटे तक ज़रूर सोना है यार। आप 7 से 8 घंटे तक सोओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर ऐड करें, जब भी लंच करें या डिनर करें तो फाइबर ज़रूर खाएं। फाइबर में आप जो है क्या खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, टोमेटो खा सकते हैं, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, तो फाइबर ज़रूर ऐड करें। और अगली जिसके बारे में बात करते हैं, अपनी डाइट के अंदर जो है दही ऐड करें, कर्ड ऐड करें। अगर आप दही खाओगे तो दही के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपका पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रखती हैं, बहुत ही साफ रखती हैं। और एक मैं आपको देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि आप घर पर यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इनमें एक बार गर्म पानी में जीरा मिक्स करके पी सकते हैं। अगर आप जीरा मिक्स करके पियोगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करने में, ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो भी चीज़ें खाओगे आपकी बॉडी को लगेगा। ये सभी चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, लंबे टाइम तक फॉलो करें, 1 महीने फॉलो करें, 2 महीने फॉलो करें, फिर देखें यार कितना चमत्कार होता है, कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आप लोगों को। आपका शरीर बनने लगेगा, आपकी बॉडी बनने लगेगी, आपका वेट गेन होने लगेगा, और जो भी खाओगे आपके शरीर को लगेगा और आपके शरीर में ताकत बढ़ जाएगी यार। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें अपने भाई को और सपोर्ट करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ यार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।